ना 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 ना, ये गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी। एग्जामिनेशन में इनसे बच के रहना है। आखिर ये कौन सी गलतियां हैं जो हमें एग्जामिनेशन में डराती हैं? ये कौन सी गलतियां हैं जो हमें प्रॉब्लम में लाती हैं? ये बातें हम समझेंगे, इसका सोल्यूशन भी जानेंगे। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, आपको शानदार टिप्स मिलेंगे। मैथ्स, फिजिक्स और मोटिवेशन पे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऑप्शन अगर मिलता है तो उसमें ऑल करके ओके करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो गलतियां नॉर्मली मिस्टेक्स हम करते हैं, कभी कभी वो ब्लंडर हो जाती है या एग्जामिनेशन में हमें परेशान कर देती है, उनको संभालने की कोशिश करेंगे। तो वो जो गलतियां हैं उनको 3 सेगमेंट में समझा जा सकता है। पहला कौन सा सेगमेंट होगा? पहला वो सेगमेंट होगा जो पेपर से पहले जो गलतियां करते हैं। जैसे हमारा कल पेपर है, 10:30 बजे से मुझे पेपर करना है, तो आज रात को जो गलतियां करेंगे, सेंटर पे पहुंच के जो गलतियां करेंगे वो। दूसरा, पेपर करते वक्त जो एग्जाम पेपर या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त जो गलतियां करते हैं वो। और तीसरी, जब हमारा पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद भी बड़ी खूबसूरत गलतियां करते हैं हम लोग, तो उसको संभालने की भी कोशिश करेंगे हम लोग। तो जो मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी, तो बात शुरू करते हैं प्री पेपर, पेपर से पहले वाली गलती। देखिए, आपको मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि मान लीजिए कल आपका पेपर है, तो आज की रात बहुत लंबी स्टडीज ना करें। अगर आप ज्यादा देर तक पढ़ाई करेंगे रात को, तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग आपका साथ छोड़ देगा एग्जामिनेशन में। क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, जो हमें देने जा रहे हैं, हमें 3 घंटे में अपनी साल भर की या 2 साल की पढ़ाई या जितनी जानकारी है, नॉलेज है, सब निकालनी है। ठीक है, तो रात को बहुत देर तक ना पढ़ें। अगर आप पढ़ते हैं तो गलती हो रही है, संभालिए। दूसरी बात, एग्जामिनेशन सेंटर पे मैंने देखा है बहुत बच्चे जाके वहां घोटा लगाने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। यानी कि वो घर से जब जाते हैं पापा के साथ, पापा ड्रॉप करने जा रहे हैं या वो खुद जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे भी पढ़ते रहते हैं 10 मिनट पहले भी। ये गलती भी बिल्कुल ना करें आप। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन से जस्ट पहले पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, तो होगा क्या? आप घबरा जाएंगे। तो इस घबराहट में जो आता है ना, उसको संभालना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप। ठीक है, दूसरी बात, सेंटर के लिए जब जाते हैं, निकलते हैं, मान लीजिए 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो आपका लगने वाला समय मान लीजिए 30 मिनट का है, 30 मिनट का है, 40 मिनट का है घर से, तो आप 15 मिनट का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। बाय द वे ट्रैफिक ज्यादा मिल जाए, बाय द वे कुछ गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो 15 मिनट का कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 15 मिनट हाथ में रहने चाहिए, जिससे इन द केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन सेटल डाउन एवरीथिंग। ठीक है, तो ये भी गलती ना करें कि नेक टू नेक चलें कि अरे बाजू में है, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो 5 मिनट पहले निकलता हूं, किसी तरह पहुंच ही जाता हूं। ये बिल्कुल ना करें आप। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सुबह जब एग्जामिनेशन देने जाएं, मान लीजिए 10 बजे रिपोर्टिंग है, आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 8:30 बजे कर रहे हैं, तो नाश्ता बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भूख लगी है, खाते चले गए। अब खाते चले जाएंगे तो 2 घंटे बाद क्या होने वाला है? वो पेट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दिमाग में कम हो जाएगा, और अभी आपको दिमाग को चेतन रखना है। तो थोड़ा सा लाइट नाश्ता करें, हल्के नाश्ते के साथ जाएं, एनर्जेटिक हो, हल्का नाश्ता हो, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। और एक बात और, पेपर शुरू करने से पहले बी पॉजिटिव। किसी को सब नहीं आता, आप ये मत सोच के जाइए कि मेरा वो 1 पॉइंट छूटा है। नहीं, आपको 99 पॉइंट्स आते भी तो हैं, 1 पॉइंट छूटा है छूट जाने दीजिए, लेकिन 99 आपको आते हैं। आप ध्यान रखिए, आपको बहुत आता है। तो बी कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, विश्वास कीजिए। दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी है इसमें, वो है कि ड्यूरिंग एग्जाम यानी पेपर करते वक्त, ड्यूरिंग एग्जाम का मतलब ये ना सोचिए, पेपर करते वक्त जो 3 घंटे में देने, उसमें आपको क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है। तो देखिए, जब पेपर स्टार्ट हो, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, अच्छे से रीड कर लीजिए। सबसे बड़ी बात जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक्स, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो असल में पूछा क्या गया है वो ठीक से नहीं पढ़ते। अगर उसमें लिखा बताइए ऐसा कब नहीं होगा, तो समझ लेते हैं होगा और गलत लिख देते हैं। और या उसके बातों में यानी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में ही 2 चीजें पूछी गई हैं, आप एक का आंसर निकालते हैं, दूसरा आंसर निकालना भूल जाते हैं। तो ये भी मिस्टेक्स नहीं करनी, आपको क्वेश्चन बड़े केयरफुली पढ़ना है कि वो क्या चीज बोल रहा है आपसे। उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए। हमें अभी बच्चों को पढ़ाता हूं, तो कई बच्चों के साथ इश्यू रहता है, उनका पेपर छूट जाता है। तो पेपर छूट ना छूटे, इसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट करके है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में अगर मैं बात करूं,
तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। देखिए अपनी चीजों को जो आपको करने क्वेश्चंस करने हैं जितने पेपर में आने हैं उसको डिवाइड कर लीजिए और ऐसे घड़ी अपने साथ रखिए या आपके क्लासरूम में घड़ी मिलेगी आपको लगी रहती है वॉल पे, तो उस पर नजर गड़ाए रहिए। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन फंस गया उस पर लगे मैं निकाल के छोड़ूंगा और चार क्वेश्चन छूट गए, तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड लिमिट दिमाग में रखिए आप, वर्ल्ड लिमिट को दिमाग में रखिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि ज्यादा जो पूछा गया उतना आपने बता दिया और उसके बाद आप कहानी लिख रहे हैं, तो कहानी लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे बल्कि हो क्या रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और अगर आपने वर्ड लिमिट से कम लिख दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने आप को एक्सप्लेन ही ना कर पाए आप, तो यह भी ध्यान रखना है। क्या मतलब? बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए, बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है कि हमारे पास बैलेंसिंग अप्रोच होनी चाहिए, जितना वर्ड लिमिट है उसमें हम इस बातों को कर लें। और पेपर करते वक्त पेपर को रंगीन नहीं बनाना है, लाल पीला नीला गुलाबी ऐसे पेन नहीं यूज करने हैं। आप 12th क्लास का पेपर कर रहे हैं, 10th का पेपर कर रहे हैं, आप नॉर्मली जो CBSE ने बोल रखा है कि ब्लू कलर का पेन यूज करें या रॉयल ब्लू कलर का पेन यूज करें, और जो की पॉइंट्स है उसको जरूर हाईलाइट करें। कैसे? पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए आप उसको, अंडरलाइन कर दीजिए की पॉइंट्स को, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो एक कॉपी में घंटों की चेकिंग नहीं होती, कुछ मिनटों में कॉपी चेक कर देनी है, तो कुछ मिनटों में आपको इंप्रेस करना है अपने पेपर से, तो आप की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिएगा, उसकी निगाह पड़ जाएगी, वो मार्क्स दे देगा आपको, है ना। तो की पॉइंट्स हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन करते वक्त कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाय द वे ऐसा हो जाता है, तो नर्वस ना होइए, घबराइए नहीं, कुछ नहीं है, शांति से उस क्वेश्चन को पार्क कर दीजिए, पार्क मतलब पार्किंग में लगा दीजिए उस गाड़ी को, और जब बाकी पेपर कर लीजिए आप तो अंत में उस पर फिर चालू हो जाइए, है ना, कुछ ना कुछ लिख के आइए, देखिए क्या कर सकते हैं आप। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है, एक दो नंबर शुरू में डर लग रहा है, 3 नंबर का सवाल, कोई नहीं, डर नहीं, सब मिलेंगे आपको नंबर। दूसरी बात उसके आगे आप समझिए कि क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, जैसे क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप क्वेश्चन को छोड़िए ना, अंत में पार्किंग स्पेस में डाल रखा है ना, तो पार्क से जब गाड़ी निकालिएगा तो स्टार्ट जरूर कीजिए कुछ ना कुछ। आपको इतना अंदाजा तो लग ही जाता है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये किस चैप्टर का है, उस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिए आप। क्यों? क्योंकि कभी कभी जानते हैं ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन ही गलत होता है, CBSE में बहुत बार हुआ ऐसा, क्वेश्चन गलत और जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको मार्क्स मिले और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको कुछ नहीं मिला। तो हम लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे, क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आ रहा है, वी विल पुश अवर सेल्फ, कुछ ना कुछ लिखेंगे जिससे अटेम्प्ट भी हो जाए और कहीं तीर निशाने पे बैठ जाए दाएं बाएं से, आधे नंबर, पौन नंबर, एक नंबर, क्या बुरी बात, बिल्कुल ना। तो इन बातों का भी ध्यान रखिए आप। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पेपर करते वक्त जो ध्यान रखना है, पेपर जब खत्म कर लीजिए आप, कोशिश करिए 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में खत्म हो जाए। इसके आसपास खत्म होने के बाद जो 15-20 मिनट या आधे घंटे का समय आप बचा लेंगे उसको रिवीजन में करिए आप, रिवाइज कर लीजिए आंसर शीट अपनी। ऐसा बहुत बार होता है कभी कभी, क्योंकि ह्यूमंस हैं हम और थोड़ा तो कुछ ना कुछ प्रेशर हो ही जाता है एग्जाम में, कुछ गलतियां हमसे हो जाती, उन गलतियों को रेक्टिफाई कर लीजिए, है ना, तो उनको रेक्टिफाई कर लीजिए, कोई चूक हुई है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए। पेपर को लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखिए जो पढ़ने में आ जाए, ऐसा ना हो कि बहुत जोर लगाना पड़े एग्जामिनर को, तो इन बातों का ख्याल रखिए। और नर्वस बिल्कुल मत होइए, एक क्वेश्चन नहीं आता, दो क्वेश्चन नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, जो आता उसमें भरपूर ताकत के साथ प्रहार किया जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी कि एग्जामिनेशन जब चल रहे हों, पेपर जब दे रहे हों, तो उस समय कैसे आपको मिस्टेक्स क्या नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पर्चा दे के निकल पड़े, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट सबमिट कर दी, बाहर निकले, तो बाहर निकल के कई बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन मिलाते हैं, क्या आंसर आया, कोई बुरी बात नहीं, सभी एनालाइज करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, मैं भी करता था, और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी खुशी होती है, सब सही, 100 में 100, और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि 100 में 100 नहीं, 1 नंबर कट गया, 2 नंबर कट गए, 5 नंबर कट गया, 10 नंबर कट गए, 20 नंबर कट गए। साहब जो कट गए कट गए, उसकी चिंता ना करें, उसकी चिंता में आप घबराएं नहीं, उसकी चिंता में मुंह टेढ़ा करके नहीं बैठना है आपको, आपको भूल जाना है, अगले पेपर की फिर तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अगला पेपर इस पेपर से इंपैक्ट प्रभाव में नहीं आना चाहिए, यही एकदम शानदार तरीका होता है आपको एग्जामिनेशन देने का। तो ये गलती ना करें कि मेरा 10 नंबर 20 नंबर का गलत हो गया, अब मैं बहुत घबरा रहा हूं, मेरा क्या होगा, बिल्कुल नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन अगले पेपर को मैं और
ऊर्जावान के साथ, ऊर्जा के साथ डील करूंगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। तो ये जो मैंने कुछ मिस्टेक्स बताई जो हो जाती हैं स्टूडेंट से एग्जामिनेशन के जस्ट पहले, फिर से जरा समय 2 मिनट आपको दिमाग में लाने की कोशिश करता हूं। एग्जामिनेशन के पहले वाली रात को बहुत लंबी स्टडी ना करें, ब्रेन साथ नहीं देगा। कोई सेंटर पे पहुंचने के बाद घोटने की कोशिश ना करें, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को धक्का पहुंचा सकता है। एग्जामिनेशन करते वक्त क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को लिखें वर्ड लिमिट के अंदर और टाइम मैनेजमेंट के साथ, अंडरलाइन करें कीवर्ड्स, साफ सुथरे तरीके से लिख लें, इसे एग्जामिनर अच्छे से पढ़ सके। जब क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाए रिवाइज करना ना भूलें। और एक बात, क्वेश्चन कोई ना छोड़ें, कोई ना छोड़ें, कोई ना छोड़ें, बिल्कुल, है ना। उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाए आप थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधे घंटे, जो भी आपका समय लगता है, आप देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस गई है, उसको समझ लीजिए कि कितने नंबर आ सकते हैं। लेकिन उसके प्रभाव में नहीं रहना। पेपर अच्छा हो जाए तो ऐसा नहीं अरे वाह अब अगला भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर अलग था, वो पेपर अलग है। तो आप अच्छा हुआ वेरी गुड, कम अच्छा हुआ कोई चिंता की बात नहीं, अगले में जोर लगाऊंगा। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरी बातें आपको लगता है कि हाँ कन्विंसिंग है, सही है, ईमानदारी भी आपको सजेशंस हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके। और इस वीडियो के नीचे 2 वीडियो आपको और दिखाई पड़ रहे होंगे, अगर वो आपको पसंद आते हैं तो उसको भी देखिए, आपके काम के हो सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।